गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ राउंड थ्री और मोप अप राउंड आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ राउंड थ्री और मोप राउंड फॉर द नेक्स्ट टॉप फोर कॉलेज अंडर डब्ल्यू दैट इज द बी सी रो इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर आसानसो इंजीनियरिंग कॉलेज नर्ुला इंस्टीट्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी अरपारा एंड लास्ट इज द एफ आई एम फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोलकाता ओके सो आई विल गिव यू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड थ्री और मॉपअप राउंड ओके सो भाई वीडियो मूव करने से पहले मैं आपको बताता हूँ दीज ऑर ऑल द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड दिस ऑल बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईर डेटा एंड आई हैव एनालाइज ऑल द डाटा प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड ऑफ दिस ईयर एंड ऑल वैरियस अदर थिंग्स ओके मैं एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ नो वन कैन टेल यूर एग्जैक्ट कट ऑफ ओके बट अगर आपका करेंगे इसके अकॉर्डिंग देन देर या स्ट्रॉन्ग चांस दट ई विल गेट ऑल दिस कॉलेज ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर न्यू टू चेनल डोट टू सपोर्ट चैनल फॉर प्रोवाइडिंग सच इम्पॉर्टेंट वीडियो बिकॉज दिस टाइप ऑफ वीडियो विल प्रोवाइड कंटिन्यूअसली इन दिस चैनल और आप अगर देख रहे हो भाई डब्ल्यू ए के स्टार्टिंग से मैं अभी तक बहुत सारे वीडियो प्लेट कर चुका हूँ अबाउट द रियली डॉकूमेंट्स मॉप क्या होता है अबाउट द सेकेंड राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ फर्स्ट राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड भाई जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया था फर्स्ट राउंड का सेकंड हाउट उसी के आसपास रहा आई एम आई हैव ऑलरेडी टेल ऑन दैट वीडियो टू दैट कोई भी आपको एक्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है, को सो दैट्स वीडियो ऑलरेडी हैव लोडेड एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हाउ टू मेक द मेडिकल सर्टिफिकेट एंड ऑल थिंग्स वीडियो बना चुका हूं सो so, आप वो सब वीडियो चेकआउट कर सकते हैं एंड दट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू और आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाले चैनल में सो मेक्स टू सपोर्ट मा चैनल ओके तो बात करते हैं और क्या क्या कंटेंट आ सकता है आगे में लैब सब्जेक्ट हाउ टू डील विद द सीनियर वट इज द बुक्स दैट यू शुड फॉलो एंड वेरियस थिंग्स सी एम पी सी एम आर तो आप सपोर्ट करते रहे हैं बात करते हुए बिना टाइम वेस्ट दिस इंजियर एक्सपेक्टेड कट ऑफ सो प्रीवियस ईयर एक्सपेक्ट प्रीवियस ईर कट ऑफ फॉर द राउंड थ्री मॉपअप राउंड फॉर द बिश्रो इंजियर पूर्व अपू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन दिस इयर स्ट्रॉन्ग चांस दट इफ यू हर रैंक अंडर द ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइनटी टू दैन यू कजली गट दी एस सी ओके एंड यू कैन से द ट्वेंटी एट थाउजेंड विद यू कैन इजली गेट दिस और बी टेक इलेक्ट्रिकल इंजियर रैंक अंडर द सिक्सटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड्रेड्रेड्र थर्टी टू इन इजली गेट द बी सी 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 रोए एंड फर बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इफ यू हव रैंक अंडर द सिक्सटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड आईटी टू यन इज्ली गेट द इी फॉर द बी टेक इन इन ए आई ए मशीन लर्निंग एम एल सिक्सटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइनटी टू सो बीटे इन आई टी फोर्टी फोर थाउजेंड ओके फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी टू गेट इन टू द आई टी अगेन दिस इज द ओके बिकॉज नो वन कैन से एक्सपेक्ट कट ऑफ इन सी एस एंड डिजाइन इन कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन यू हैव टू बी अंडर दिक्कस फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थी टू फॉर दी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग यू हैव टू अंडर द सिक्स थ्री हंड्रेड थर्टी टू सो दिस इज ऑल द जनरल कट फॉर इंजीनियरिंग इंजियर दुर्गापुर टक्यूर द नेक्स्ट वेरी वेरी बड़े टी एफ डब्ल्यू कैंडेटेड सोफ यू बिलोट टी एफ डलू कैंडेड वेरी वेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दी एस सी सो इफ्यू एव रैं अंडर द टुवेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी सी एस सी फॉर द बी टेक इन सी यू हैव टू थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू फॉर द बी टे ए आई एन एल यू हैव टू बंड्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी टू फॉर द बेक इन सी एस सी यू हैव टू बी अंडर ट्वेंटी वन थाउजेंड सो वही अगर आप करेंगे इसके अकॉर्डिंग है दिन ये इजी गट इन टू द बी सी सी इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर सो दिस ऑल अबाउ द टी एडब्ल्यू कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड कट फॉर राउंड थ्री बिफोर मूविंग टू द वीडियो काज लेट मी टेल यू दैट आई हैव ऑलरेडी मेड द डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू ऑफ ऑल एंड ऑलमोस्ट ऑल डब्ल्यू कॉलेज प्रोज एंड कैन बी से Comprison. so if you want to interested in co taking admission then make sure to watch that video that will really helpful for you in deciding the college okay i have already made the comparison so moving to our next very very important college under wbj that is the asansol engineering college asansol so let me talk about the cut off for that so talking about the expected cutoff for the Assam Engineering College, what will be the expected cutoff for the BTech CSC if you have ranked under the 33,232, you can easily get the BTech CSC. For BTech in EC. if you have ranked under the 64,982, you can easily get into this. For the BTech in CSBS, by if you rank 64 thousand ranked 64,000, then you can easily get this. But I will suggest you don't take Assam Engineering College CSBS because you can get other important college too. Okay. So talking about the IT, so if you have ranked under the 40, oh, sorry 40, 9332 are up to 51,000. Then you can easily get the Asansu Engineering College IT for the AI and ML. You have to be under the 62332. And BTEC in Civil Engineering, we have to be under the 39232. So, this is all the expected cutoff for the general candidates. Talking for the tw candidates, if you belong to TRW candidates, what will be the expected cutoff for round 3 of round? So, for the BTEC in CSC, you have to be under the 93300. Okay, and for the BTEC in CSBS. अगर आप करें फिफ फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी टू के आस पास है बी टेक सी एस बी एस और बीटेक इन ई सी यू हैव टू बी अंडर द सेवेंटीन थाउजेंड फॉर द बीटेक इन आई ट यू हैव टू बी अंडर द फोटीन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू फॉर बीटेक इन ए आई एन एम एव टू बी अंडर द सेवेंटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन अगर आपका बस इसके आसपास है आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज मीनस इफ यू हैव अ कट ऑफ राउंड ऑफ दिस दिसन को निजी गेट द आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज मूविंग टू अवर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज अंडर डब्ल्यू बी एट इज द एन आई टी नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओके राउंड थ्री राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दरलाजी फॉरल कैंडिडेट इफ यू बिलोंग इफ यू हैव रैंक अंडर दी फोर थाउजेंड स्ट्रॉंग चांस विट सी एस सी राउंड 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 गेट दिसक इन कम्प्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू हैव टू बी अंडर द फोर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड थर्टी टू फॉर बीटेक इन आई यू एव रैंक अंडर द फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी नाइन यू कन इजली गट द बीटेक आई टी फॉर बीटेक इन सी एस बी एस यू हैव टू बी अंडर दिक्कटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू एंड फॉर द बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका रैंक अंडर द सिक्स थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड नाइनटी टू यन इजली गेट दिस सो आर द एक्सपेक्टेड फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर इन सी अगर आपका रैंक सिक्सटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टूटी गेट बे सी एस सी सिविल इंजीनियरिंग ओके एम सेइंग वाइट नो नीड टू टेक द सिविल इंजीनियर टेक्नोलॉजी दैट यू कैन आट फॉर अदर कॉलेज देर वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज अंडर डब्ल्यूजे फॉर दी टेक इन मैकेल इंजीनियरिंग फिफ्टी इफ यू हव रैक अंडर दि फोर्टी फिफ्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन टू गेट द बीटे इन मै मैकेानीनिकल इंजीनियरिंग सो दू ऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द जनल कैंडिडीड्स फॉर द ए सी फॉर द सू हव टू बनर दी फाइव थाउजेंड एंड फॉर द बी टेक इन सी एस बेव टू बी अर दिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू फॉर द बीटेक इन आई टी You have to be under the 49,392. So, this is all the expected cutoff for the X SC candidates. Now, talking to very, very important about the uh, TFW candidates. What will be the expected cutoff for the 2 candidates in the Rural Institute of Technology? So, if you are belong to 2 candidates for the btech CSU, you have to be under the 12,232. For the btech in CSBS, uh, so Computer Science Engineering, you have to be under the 13,982. Again, why I am saying that for the TFW candidates, there will be little variation in the cutoff because you know now. T&W candidates have a limited seat. So if any students got especially the CSE, then there is a little chance that they will change the college or they will go for the other branch. Okay. So be careful and there will be a little variation for TFW candidates. So strong competition between them. सो टको दिल इले इक्ट्रिक इंजियरिंग फॉर दर्ट टैंडिडेट इफ़ यू आर अंडर द ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी टू इन इजली फॉर द बीटे इन इी सी 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 सू हेव टू भी अंडर द एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइनटी टू एंड 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 फॉर द बी टेक इन इेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इजियरिंग अगर आप करेंगे भाई ट्वेंटी टू थाउजेंडें और ट्वेंटी थ्री थाउजेंड की आसपास इन इजी एट दिस फॉर दिन बी टेक इन मैकेानिकल इंजियनिंग हैव टी अंडर द ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एटी टू सो दिस ऑल द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द टी अब डलू कैंडिडेड मोबा प्राउन Now moving to our next very very important college under WBJ that is FIEM Future Institute for Engineering and Management Kolkata So actually I have already made the detailed review of that college placement What is the placement strategy and all things So if you want to take the admission in this college then you can check out that video too So let us move to the FIEM what is the expected cutoff for the round 3 So talking about the next topmost most important college under WBJ that is FIEM which is Engineering and Management round 3 what is the expected cutoff? So if you belong to the general candidates so you have to be under the 30,200 सॉरी सॉरी वन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइनटी टू फॉर द इन आईटी यू हैव टू बंड फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सिक्स एंड फॉर द बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इफ यू हैव रैंक अंडर द सिक्सटी फोर थाउजेंडेंड टू हंड्रेड थर्टी टू विल गेट द एफ आई ई एम ई सी ओके फॉर द इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यू हैव टू बी अंडर द फिफ्टी टू थाउजेंड एंड फॉर द मे मैकेल अगर आपका रैंक भाई फिफ्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड नाइनटी टू और अगर फिफ्टी नाइन तक भी है इजी गट द एफ आई ई एम कॉलेज मूविंग टू फॉर द नेक्स्ट दट इज दी ए डब्ल्यू कैंड्रेड वि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द सी एस सी हैव टू बी अंडर द थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइनटी टू दर इज स्ट्रॉन्ग कंपिटन टफ कमिटीन बिटवी द फॉर द टी एड्ल्यू कैंड्रेड सोके सिमिलरली फॉर द बी टे इन आई टी हेव टू भी अंडर द फोटी थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी टू फॉर द बी टे इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजियरिंग आपका रैंक अगर अंडर फिफ्टीन थाउजेंड इ स्ट्रॉ चान दट यू विट द एफ आई एम फॉर दी टेक इन मेके इजरंग इफ यू हैव रैंक अंडर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू थाउजेंड दें द इज स्ट्रॉन्ग चान दट इ विल गेट एफ आई ई एम सो गाय दिस इज ऑल द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ऑल द कॉलेज आव आई हैव टॉप ओके सो फॉर योर इनफॉर्मेशन एट मी से शेयर यू दट आई हैव ऑलरेडी मेड द डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू फॉर दिस कॉलेज प्रोज एंड कॉन बिसाइड दट आर दूक्यूमेंट्स रिक्वयर टू गेट दिस कॉलेज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बिइाइड दट बहुत सारी इंपॉर्टेंडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ सिलेबस क्या होगा भाई फर्स्ट ईयर वाट इज द मॉप्राउंड स्ट्रेटजी ऑफ मॉम प्राउन रियलिटी ऑफ मॉप ऑफ ब्राउन एंड एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ भाई मेनी ऑफ द कॉलेज आर नॉट मेनी ऑफ द कॉलेज आइंग दट आई विल नॉट रिफंड आई एम नॉट गोइंग टू रिफंड इन द मोप राउंड सो दिस इज नॉट गुड एंड बी केयरफुल बिफोर गोइंग फॉर अ मोप राउंड मेक्स योर फ्रॉम द कॉलेज दट या यू विल भी रिफंडेड और नॉट आप भाई कंफर्म करें कि रिफंड करें कि नहीं ओके सो दिस इज ऑल द वीडियो आर दैट गाइड आई होप वीडियो यूजफुल इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन क्योंकि आने वाले दिनों में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला सिलेबस एंड ऑल थिंग सो मेक्स योर टू सपोर्ट क्योंकि आप लोग का सपोर्ट थी मेरा मोटिवेशन एंड इफ यू विल लाइक द वीडियो दैन आई विल फील दट या माई वीडियो इज रियली हेल्पिंग यू आर ओके सो so, भाई व्यू तो जा रहा है बट यू आर नॉट लाइकिंग द वीडियो नॉट शेयरिंग विद फ्रेंड सो दिस इज नॉट द गुड वे ना आप लोग के लिए भी इतना सपोर्ट अवॉर्ट द मोप बराउन के लिए so, भी रैंक वर्सेस कॉलेज भी बना चुका हूँ सो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग बना रहा हैं तो थोड़ा आप सपोर्ट कर सकते हैं सो दिस इज ऑल द वीडियो आउट दैट गाइस आई होप वीडियो इनफॉर्मेट टू यू टिल देन बाय बाय मेड यून द नेक्स्ट वीडियो जय हिंद